हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेट्स गुड लाइफ। कैसे हैं आप सभी लोग? तो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूं बोरीवली ड्राई फिश मार्केट में, और चलिए देखेंगे कि लॉकडाउन खुलने के बाद में ड्राई फिश मार्केट का क्या हाल है, खास करके बोरीवली मार्केट का। और विजनर भाई, ये बोरीवली का जो ड्राई फिश मार्केट है, ये कितना साल पुराना है? ये 62 में। तो 62 मतलब लगभग 50 साल हो गए आसपास, 50 साल के ऊपर हो गया। ओके, और आपकी इस शॉप पे कौन कौन सी ड्राई फिश अवेलेबल है? सर, सब क्वालिटी है, जोला है, करबी है, मानिली है, जोला है, ढोमा है, वाखरा बुंगिल है, फिर सुरमाई, ढोमा, मूसी, रावस। अच्छा, सब मच्छी है, पापलेट नहीं है, पापलेट कम आता है। ओके, मतलब ऑलमोस्ट जो है ड्राई फिश में जो जो मच्छी अवेलेबल होते हैं वो सब मच्छी आपके पास है। सो नाइस फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि विजेंद्र भाई की शॉप पर ऑलमोस्ट जो है सारे ड्राई फिशेज वगैरह अवेलेबल है। तो चलिए अभी इनकी दुकान पर हर एक ड्राई फिश का क्या रेट्स है वो हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो भाई, ये करदी का क्या भाव है? 400 से 350, मतलब 350 से 400 रुपए के रेट में एक किलो। और ये सोडा कैसा है? ये सोडा ये 1400 रुपए है, 1400 रुपए किलो। किलो ये मीडियम साइज से। अच्छा, ओके। दूसरा एक बड़ा साइज आता है, ये क्या भाव? ये 400 पाव बिकता है, 1500 रुपए रहता है, ये फुल साइज है, ये 1500 रुपए किलो। भाई, जेवला कैसे दिया? 250 रुपए किलो। ये 250 रुपया और ये 300 रुपए किलो। क्यों फर्क क्यों रहता है प्राइस में? ये साइज ज्यादा है, ये मीडियम साइज है। अच्छा, ये ज्यादा साइज है, इसके लिए 300 रुपया, और ये थोड़ा बारीक है, मीडियम है, इसके लिए 250 रुपए। इसका क्या भाव? 200 रुपए किलो। ये 200 रुपए किलो। ये क्यों 200 रुपए क्यों है? ये जूना माल रहता है और ज्यादा करके होटल में जाता है। और ये वाला, और ये वाला जेवला कितने का? 300 रुपए। ये भी 300 रुपए वाला। ये बड़ा बोमबिल कितने का? ये 400 से 350 रुपए, मतलब 350 से 400 रुपए किलो। और ये कैसे रुपए किलो? ये 450 से 500 रुपए किलो। ये वाले का कितना बोमबिल का? 500 से 450 रुपए किलो। ग्यारह बांगड़ा कैसे दिए? ये छोटा वाला जो है 100 का 5, ये 100 का 4 है। अच्छा, ओके। ये 100 का 4 और ये 100 का 3 साइज के ऊपर है, सब साइज के ऊपर है। ओके, और ये कौन सा मच्छी है? ये शार्क मच्छी है। शार्क, ये कैसे रुपया? 500 रुपये। ये 500 रुपये किलो। ये कौन सा मच्छी है? ये वाला डारा है, गोल है। ये कैसे रुपया? 500 रुपये। ये भी 500 रुपये किलो। ओके, और ये सुरमई है क्या? ये ये क्या भाव? 150 रुपये। अच्छा, और ये क्या कौन सा डोमा? ये क्या भाव? 70 रुपया पाव। अच्छा, टिंडली क्या भाव? 100 रुपया पाव। अच्छा, एक किलो लेंगे तो 300 रुपया हो जाएगा। ये कौन सा मच्छी है? ये स्वीट बोलते हैं, स्वीट। और ये कैसे रुपए किलो रहता है? 200 रुपए किलो। हिंदी में क्या ना ये मच्छी का नाम है? हिंदी में इसे माकली बोलते हैं, माकली। वाखड़ा बोमबिल है, वाखड़ा बोमबिल। क्या भाव होता है वाखड़ा बोमबिल? वही 70 पाव 250 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। क्वालिटी के ऊपर है, क्वालिटी के ऊपर है। 200 से 250 रुपए के रेट है, 200 से 250 रुपए किलो। अंडली 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। और इसमें पाव किलो लेंगे तो? पाव किलो 60 रुपए, 60 रुपए का पाव किलो, 200 रुपए। कैसे दिला? सोड़े हो 2400 रुपए किलो, मोटे सोड़े 2400। म्हणजे मीठ नाही आला, बिन मिठाचे सोडे, बिन मिठाचे सोडे आहे। ओके, आणि हे बिन मिठाचे सोडे आहे ना, पण थोडे मीडियम साइज चे। ओके, हा कसं दिल ना? हे 1500 रुपये केजी, 1500 रुपीस केजी। भाई, इसका कितना कीमत है? ये 600 रुपये किलो। ये 600 रुपये किलो है, ये 600, ये 500 वाला है, 500 रुपये किलो। ये 500 रुपया, और ये वाला? ये दोनों 400 रुपये केजी आएगा, ये 400 रुपये किलो है ये। मतलब जैसे क्वालिटी है उसके हिसाब से रेट ऊपर नीचे होता रहता है। और ये डोमा, ये डोमा, ये डोमा कैसे रुपये? डोमा 280 रुपये के जी, 280 रुपये के जी है। और ये मांदेली, मांदेली 250 रुपये के जी, मांदेली 250 रुपये किलो। ये वाकड़ा बोमबिल है, वाकड़ा। ये क्या भाव है? ये 300 रुपये किलो, ये 300 रुपये किलो। और ये साफ किया हुआ 1200 रुपये किलो, साफ किया हुआ 1200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो। ये जेवला 300 रुपये किलो। और सुरमई कैसे है? ये सुरमई 150 रुपये पाव किलो, 150 रुपये पाव किलो।
मतलब ये 600 रुपए किलो है, 600 रुपए ये गोल है पूरा। ये कैसे रुपए किलो है? वो 800 रुपए किलो है। ये 800 रुपए किलो है। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, ये साफ की है, वो बोम्बिल है। ये इसका क्या भाव है भाई? 1200 रुपए किलो। 1200 रुपए किलो।